Good morning all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. Today we will start a new chapter and this chapter has been taken from Geography book. It is the last chapter of this book. It's a very important chapter and you will learn on different things in this chapters too. The name of this chapter is Lifeline of National Economy. So first we'll discuss about that and what we exactly learn about in this chapter in this chapter we learn about all type of the transportation services that is available in our country whether it is a road transportation or water transportation or air transportation all type of the expansion of the transportation services which are available in country that we will read <coughs> in this chapter only okay so see the pictures which is uh, appearing on the top one of the picture is uh,

land areas or then last one is pipelines and if we move to the next one that is <coughs> uh, water transportation to usme aapka inland hota hai aur overseas hota hai aur agar aap air transportation ki baat karte hain तो उसमें हमारा international airports होते हैं private airlines होते हैं domestic airlines होती हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग होती है तो दीज आर द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्री वी विल इन द नेक्स्ट पेजेस वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रोड ट्रांसपोर्टेशन देखिए इंडिया का जो नेटवर्क है रोड का वो अप्रोक्सीमेट इतने लाख किलोमीटर है थर्टी थ्री पॉइंट टू लाख किलोमीटर्स ऑफ द रोड नेटवर्क इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑन सरफेसिंग मेटल्ड और अन मेटल रोड दो टाइप की होती हैं एक पक्की रोड और एक कच्ची रोड जो मेटल रोड है वो लगभग फिफ्टी सेवन परसेंट है और जो अनमेटल्ड रोड हैं वो लगभग फोर्टी थ्री परसेंट है जो कच्ची रोड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मेन्टेनेस जो आपका कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस में इंडिया में जो हाईवेज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर लाइन को अटैच करता है अभी आगे मैप में मैं डिस्प्ले करूँगा उसमें है गोल्डन गोल्डन क्वारेटरल सुपर हाईवे जो एन एच डी पी फेज़ बनता है जिसकी हाइट जो है वो आपकी फ़ाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स किलोमीटर है और ये सिक्स लेन हाईवे है यानी सिक्स लेन है ठीक है इसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो जो एन एच 2 टू है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर है वो एन एस कॉरिडोर यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में दो लाइन जो यानी कि आप कह सकते हो जो मैप में टॉप एरिए से बॉटम एरिए के लिए जोड़ेंगे ये आपका नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर कहलाएंगे और जो ईस्ट और वेस्ट जाएंगे दे आर कॉल्ड अ ईस्ट वेस्ट कोरिडोर तो आपका जो गोल्डन क्वाटरलेटरल है उसमें जो कनेक्टेड कंट्रीज़ है वो दिल्ली को मुंबई से और चेन्नई को कलकत्ता से आप देखेंगे तो चेन्नई यहाँ होगा मैप में और दिल्ली मिड में होगा मुंबई इधर होगा कलकत्ता यहाँ होगा तो ये गोल्डन क्वाडरलेटरल बनाता है जो इन रोड्स को लाइक दिस ऐसे फॉर्म में एक क्वाडरलेटरल का फॉर्मेशन करता है ठीक है फ्रेस टू में हमारी दो लाइन्स आएंगी जो आपकी टॉप से बॉटम क्लियर लेफ्ट टू ईस्ट जाते हैं अब ये पोर्ट कनेक्टिविटीज़ में जो हैं आपके वो लगभग वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन है और एन एच टी पी यानी नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट जो है वो फेज थ्री जो है वो आपका फोर थाउजेंड फिफ्टीन किलोमीटर्स की है जो कि फोर लेन है सिक्स लेन केवल गोल्डन कॉर्डर लेटरल है ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एन एन एच डी पी प्रोग्राम्स ठीक है यानी जो भी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं एन एच डी पी उसके जितने भी हाईवे बनाने वाले हैं उसके लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम है एन एच ए आई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है एन एच आई बी इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर फोर लाइनिंग्स ऑफ इतने किलोमीटर स्पेशली डेवलपमेंट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ़ द नॉर्थ ऑन दिस ठीक है अब हम मैप में देखेंगे देखिए ये मैप है इस मैप को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो यू सिंपली सी अबाउट जो हमने पहले एन एच फ्रेज़ वन की बात की थी जो गोल्डन कोटर लेटर है देखिए इसमें मैप में कि जो गोल्डन लाइन नज़र आ रही है लाइक दिस देखिए ये जो गोल्डन लाइन नज़र आ रही है ये आपका गोल्डन क्वार्टर लेटर है जो यहाँ पे दिल्ली को कलकत्ता से मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है ठीक है इसके अलावा जो आपका एन एच फ्रेज एन एच डी पी फ्रेस टू है जिसकी जो लंबाई हमने यहाँ पे डिस्कस की थी जिसकी लेंथ है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वो आपका इस प्लेस से यहाँ से और आपका बॉटम तक यहाँ तक कवरअप करता है बॉटम तक देखिए आपको यहाँ मैं डिस्प्ले करता हूँ यहाँ से ये यह स्टार्ट होकर ये यह एरिया यहाँ तक जाता है और जो दूसरा सेकंड था फ्रेज वो ये है ये आपका ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है और ये नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है ठीक है नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर जो है वो ज़्यादा लंबा है ईस्ट टू वेस्ट के कंपेटिवली आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ यानी एनएस कॉरिडोर जो है वो श्रीलंका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है और सिलचार यानी असम एरिया से पोरबंदर यानी गुजरात तक जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाता है ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड जस्ट वील मूव टूवर्ड्स डैट लेन के बारे में ये दिखाया हुआ है पिक्चर्स यू सी अब देखिए नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट हाईवे ये सब रोड ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक पार्ट्स हैं जो एन एच डी पी है नेशनल हाईवे वे डेवलपमेंट प्रोग्राम एन एच ए आई नेशनल हाई वे ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग होता है और नैशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उसको फ्रेम आउट करती है ठीक है अब देखिए नेशनल हाईवे जो है एज़ ऑन द मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन किलोमीटर्स टू परसेंट टोटल लेंथ ऑफ द रोड नेटवर्क सी पी डब्ल्यू कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन द नेशनल हाईवे ठीक है जो सी पी है सेंटर पब्लिक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है पी डी उसका काम होता है नेशनल हाईवे को बनाना और नेशनल हाईवे जो करंट की कंडीशन है वो इतना है और इसमें से सिंगल लेन जो है वो लगभग थर्टी फाइव परसेंट है टू लेन जो है वो फिफ्टी थ्री परसेंट है फोर लेन जो और उससे ज़्यादा है वो ट्वेल्व परसेंट है ठीक है उसके बाद फिर स्टेट हाईवेज़ होते हैं स्टेट हाईवे बनाने की ड्यूटी पी डब्ल्यू डी होती है सी पी डब्ल्यू डी ओनली पी डब्ल्यू डी की वन पॉइंट टू एट लैख और जिसका नाइन्टी सेवन परसेंट लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवेज़ मेटल यानी नाइन्टी सेवन परसेंट तक जो लेंथ बना हुआ है वो सब मेटल का है फिर आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात होती है उसका लगभग नेटवर्क इतना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन टू डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है या नगर पालिकाज होती है ठीक है एंड अदर रोड्स बनाने के लिए जैसे कच्चा रोड है तो उसके लिए गाँव के प्रधान वगैरह होते हैं ठीक है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो कि बॉर्डर रोड का बनाने का काम करता है ठीक है जो बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट बोर्ड होता है बी आर डी बी बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट जो वर्ल्ड हाईएस्ट रोड फॉर्म जिसने सबसे लंबी जो रोड बनाई है वो आपकी आप देख सकते हो मनाली से जो मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में लेह और लद्दाख तक जो जम्मू कश्मीर ये बॉर्डर की सबसे लंबी रोड बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन यानी बॉर्डर रोड बनाने का काम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो आपका बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है या उसका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब जो रोड की डेंसिटी होती है ठीक है वो कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट और लोएस्ट वो यहाँ पर डिस्टस्क है जो रोड की डेंसिटी है वो कितनी हो सकती है तो देखिए दस किलोमीटर पर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर की रहती है और केरला की जो है वो हाईएस्ट है वो इतनी है और जो नेशनल रोड अथॉरिटी है वो सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग तो मतलब इतना हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स पे इतनी वो लगभग डेंसिटी होनी चाहिए इतनी मतलब डेंस होनी चाहिए रोड अब रोड ट्रांसपोर्टेशन को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो है इनएक्टेड सरफेस कहीं पे हाइट ज़्यादा है कहीं पे माउंटेनियस रोड बन रही है कहीं पे प्लेट्यू है कहीं पर आपके तरई है तो अन रोड्स हैं फिर हाईली कंजस्टेड इन द सिटीज़ एंड ब्रिज आर नैरोज जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्ट है इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक दिस मच रोड इन दैट पर्टिकुलर एरिया तो दीज तो आर द बेसिक प्रॉब्लम्स रोड साइड्स एमडीटीज़ है इसके अलावा नॉट सफिशेंट एमरजेंसी सर्विसेज आर पोअर्स तो ये सब प्रॉब्लम्स जनरली रोड को मिल रही है अब हम जो नेक्स्ट रोडवेज़ के बारे में लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत फेमस ट्रांसपोर्ट है वो है अपर रेलवे रेलवे इंडिया में एटीन में इंट्रोड्यूस की गई थी और थर्टी फोर किलोमीटर्स मुंबई से थाड़े पहली ट्रेन चलाई गई थी इट हैज़ बीन मैंशनड ओबर ठीक है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ठीके के क्वेश्चन हैं सो यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अब ये जो रिकॉर्ड है वो एज पर द ट टू थाउजेंड फोर डेटा के हिसाब से है जो टोटल रेलवे की लेंथ हो सकता है डेटा आप चेंज हो गया हो बिकॉज दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन ऑलरेडी मैंशनड दैट इट हैज बिन टेकन फ्राम एज पर दिस मच टोटल रेलवे स्टेशन जो इंडिया में है वो सेवन थाउजेंड सम है रेलवे इंजन इतने हैं कोचेस इतने हैं वेगॉन्स इतने है, डिब्बे इतने हैं ठीक है रनिंग ट्रैक्स इतने किलोमीटर का है इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स यानी जो इलेक्ट्रिक ट्रैक बन चुका है इतना और रेलवे को टोटल सिक्सटी जोन में बांटा हुआ है ये देखिए रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया अलग अलग जोन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ठीक है इस टाइप से जो रेलवे के सिक्सटीन जोन हैं वही हैं उसके अलावा प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियंस जो रेलवे हैं वो गेज की रोल अब जो गेज होते हैं ना गेज क्या है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे ऑन मार्च या टू टू के हिसाब से एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच का ये जो गैप होता है ये गेज कहलाता है कि कितने गेज पर है तो थ्री टाइप के गेज इंडिया में जो हैं वो यूज़ होते थे एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच के गैप को तो उसमें अभी जो करंटली है वो ब्रॉड गेज है सबसे पहले जो स्टार्ट हुए थे वो नैरो गेज थे और आज भी माउंटेनियस रेंजेस में नैरो गेज की ट्रेन चलती है नैरो गेज में एक गेज एक एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच का जो गैप था वो लगभग जीरो पॉइंट सेवन सेवन मीटर था किसमें गेज में ठीक है बच्चों अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मीटर गेज की नैरो गेज तो अब देखने को नहीं मिलते हैं जनरली मीटर गेज जिसको आप लोग छोटी लाइन वगैरह बोलते थे उसके बीच में एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच का जो गैप था वो वन मीटर था लमसम और अब जो स्टेम एक्सपेंशन हो रहा है वो हो रहा है ब्रॉड गेज तो ब्रॉड गेज है एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच का गैप वन पॉइंट सिक्स सेवन लमसम वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर का जो है वो एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच का गेज होता है ठीक है तो दिस थिंग इज़ क्लियर आई थिंक सो देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और ये है एडिशनल लाइन्स एंड ऑल्टरनेटिव एक्जिस्टिंग बिजनिंग रूट टोटल रनिंग ट्रैक्स हैज़ इंक्रीज ठीक है ये बढ़ा दिए गए ये सब लिखे है फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब जैसे मान लो डीजल लाइन है तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन अभी चल चुकी है या नहीं चल चुकी है इस टाइप से तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड में जैसे 2006 में जो इंडिया का रेलवे था वो सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स का जो रेलवे ग्रेस था या रेलवे का ट्रैक था इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिक रूट अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट जो रूट है वो इलेक्ट्रिक हो चुका है लेकिन अभी भी अब आपके अपडेटेड डेटा में इट माइट भी चेंजड ओके परपज ऑफ इलेक्ट्रिक यू नो कि आप रिलीफ्स रेलवे फ्राम स्ट्रीम इंजन स्टीम इंजन का कंजर्पन ज़्यादा है और पॉल्यूशन भी होता है उससे रिलीफ होगा एनश्योर मोर स्पीडी मूमेंट जब इलेक्ट्रिक ट्रैक होगा तो स्पीडी रूमेंट ज़्यादा होगा इसके अलावा क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वामेंट ट्रैवलिंग ठीक है कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़ ऑफ सी ठीक है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम जो मेट्रो रेलवेज़ हैं वो कोलकाता दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ये माना जाता है और फास्ट ट्रेन बिगेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वन इतने क्लियर ठीक है तो ये टोटल आपका जो है इतने लोगों को लगभग जॉब देता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटर रेलवे अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्रेजेंटली क्या क्या प्रॉब्लम तो पहला है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो होती है कि ट्रैवलिंग विदाउट टिकट मोस्टली पीपल्स ट्रैवल्स इन रेलवे विदाउट टिकट नेक्स्ट है थीप एंड रेलवे प्रॉपर्टीज़ जो रेलवे की प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो चोरियाँ होती हैं वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टीज रेलवे की प्रॉपर्टी को कोई लोग डैमेज कर देते हैं कुछ काट रहे हैं कुछ खराब कर रहे हैं फिर है पुलिंग ऑफ द चेन एंड स्टॉपिंग द ट्रेन अननेसेसरी स्टॉपेज होता है ट्रेन का चेन को पुल करके अटैक ऑफ टेररिस्ट रेलवे में या बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं और थ्रोइंग ऑफ पैसेंजर्स आउट फ्रॉम द ट्रेन ओवर द ट्रैफिक मैटर्स ठीक है तो ये सब जो है वो रेलवे के बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं तो दिस जनरली वी हैव डिस्कस अबाउट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट टू मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन थैंक यू वेरी मच